आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल एन भारत मीडिया के साथ जुड़ सकते हैं। एन भारत को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, इसके साथ ही घंटी बजाना मत भूलिए। आप हमें फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं, इसके साथ ही आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। आपके प्यार और विश्वास के साथ एन भारत लगातार जनहित और समाज हित की खबरें आप तक पहुंचा रहा है। भूटान घूमने जाने वालों के लिए अब एक बुरी खबर आई है। भारतीय पर्यटकों के लिए अब भूटान घूमना पहले से ज्यादा महंगा होने वाला है। भूटान सरकार ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए देश में फ्री एंट्री बंद करने का फैसला लिया है। भूटान सरकार ने इसके लिए नियमों में बदलाव किए हैं, जिसके मुताबिक जुलाई 2020 से भारतीय पर्यटकों को भूटान जाने के लिए हर रोज के हिसाब से रुपए देने होंगे। भारत के अलावा मालदीव और बांग्लादेश के पर्यटकों को भी ये शुल्क देना होगा। भूटान असेंबली ने इस फीस को लगाने के लिए टूरिज्म लेवी एंड एक्सेम्पशन बिल ऑफ भूटान 2020 के बिल को मंजूरी दी है। 18 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को 1200 रुपये प्रतिदिन, वहीं 6 से 12 साल के बच्चों के लिए फीस 600 रुपये प्रतिदिन तय की गई है। इस फीस को सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस का नाम दिया गया है। भूटान सरकार का कहना है कि देश के ऊपर पर्यटकों के बोझ को नियंत्रित करने के लिए ये फीस वसूलने का फैसला लिया गया है। फिलहाल भारतीयों को भूटान घूमने के लिए कोई भी एंट्री फीस नहीं देनी होती थी। अगर अन्य देशों के पर्यटकों की बात करें तो उन्हें जुलाई से अब करीब $65 यानी ₹4,331 की सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस भूटान यात्रा के लिए देनी होगी। इसके अलावा अन्य देशों के यात्रियों को $250 यानी ₹17,811 का फ्लैट कवर चार्ज भी देना होगा। भारतीय नागरिकों को भूटान जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती, बस दो वैध डॉक्यूमेंट्स लेकर जा सकते हैं। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के तौर पर वो भारतीय पासपोर्ट ले जा सकते हैं जो कम से कम 6 महीने के लिए वैध हो, या वोटर आईडी कार्ड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब तक तो भारतीयों को भूटान जाने के लिए कोई भी फीस नहीं देनी होती थी, लेकिन अब जब उन्हें फीस देनी होगी तो ये चार्ज महंगा हो जाएगा। अब भूटान जाने के लिए डेली के 1200 रुपये जब लोगों को खर्च करने होंगे तो इससे भूटान सरकार को तो राजस्व मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी तरफ भूटान जाने वालों की संख्या में भी थोड़ी कमी आएगी। इंटरनेशनल डेस्क एन भारत। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल एन भारत मीडिया के साथ जुड़ सकते हैं। एन भारत को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, इसके साथ ही घंटी बजाना मत भूलिए। आप हमें फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं, इसके साथ ही आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। आपके प्यार और विश्वास के साथ एन भारत लगातार जनहित और समाज हित की खबरें आप तक पहुंचा रहा है।